दोस्तों, जब इस दुनिया में सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दिन रात मेहनत करते हैं तो फिर दिमाग में टेंशन तो आ ही जाती है, लेकिन कहते हैं ना, विस्की का एक पैग अंदर तो सारी टेंशन छूमंतर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सिर्फ गमों में विस्की का पैग लगाता है, खुशी के माहौल में भी लोग अपने गम के समय का साथी विस्की को नहीं भूलते, दोस्तों के साथ दो चार पैग लगा ही लेते हैं। थकान भरी जिंदगी में विस्की अमृत से कम नहीं दोस्तों। तनाव और थकान से मुकाबला करने के लिए विस्की के शौकीन कांच के गिलास में जरूरत के हिसाब से पानी, सोडा और बर्फ की टिकिया डालकर जादुई पैक बनाकर गटक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इतनी अलग अलग ब्रांड की विस्की आखिर बनती कैसे है, और सड़कों पर लोगों को नशे में लड़खड़ा देने वाली ये विस्की बनती कैसे है, और इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि लोग गम और खुशी दोनों माहौल में इसकी ओर दौड़े चले आते हैं, और क्या है ऐसी इसमें कि दुनिया में करोड़ों लोग इसके बिना रह नहीं सकते। तो ये राज की बात आज हम आपको बताएंगे कि ये जादुई विस्की आखिर बनती कैसे है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे देश में विस्की की दीवानगी कितनी है, कितने लोग भारत में शराब पीते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की कुल आबादी में से करीब 20 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। बात करें कुल जनसंख्या की तो भारत की कुल जनसंख्या में से करीब 15% लोग शराब पीना पसंद करते हैं। और तो और दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शराब का मार्केट है। दोस्तों, भारत में शराब का सेवन करने वालों में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और तो और भारत में शराब का सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब जानते हैं कि विस्की के इतिहास के बारे में, और जानते हैं कि ये विस्की आई कहां से, इसकी खोज किसने की, जैसे और भी कई सवालों के उत्तरों को। तो दोस्तों, विस्की बनाने वाले का नाम तो इतिहास में कहीं नहीं मिलता, लेकिन विस्की की खोज चीन में हुई थी, इसलिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सबसे पहले इसकी खोज चाइनीज मॉन्क्स ने की थी। उन्होंने अनाज को सड़ाकर इसे सबसे पहले बनाया था, और उस समय तक इसे सिर्फ दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो रूप हम विस्की का आज देख रहे हैं, उसका श्रेय जाता है स्कॉटलैंड को। दोस्तों, जब ये विस्की स्कॉटलैंड पहुंची तो वहां बाकायदा इसको बनाने के लिए नियम, कायदे और कानून बना दिए गए। स्कॉटलैंड के लोगों की विस्की के प्रति मोहब्बत ही थी कि जिसने इसको और भी बेहतरीन बना दिया कि आज पूरी दुनिया में इसके दीवानों की कमी नहीं। दुनिया भर में लोग यूं ही नहीं कहने लगे कि पीता हूं तो बस गम भुलाने को। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि विस्की का भारत में आना कब हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि सन 1820 में ये भारत में आई, और फिर वहां के लोगों ने इसको ऐसे अपनाया, ऐसे प्रेम दिया कि आज भारत विस्की का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। और दोस्तों, अगर ऐसे ही लोग दीवाने होते रहे तो कभी भी भारत पहले स्थान पर आ जाएगा, जिसमें हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर विस्की बनती कैसे है, इसको बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, विस्की को बनाने में कितना समय लग जाता है। तो आइए जानते हैं जल्दी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, विस्की को बनाने के लिए जरूरी होता है अनाज, पानी और ईस्ट। दोस्तों, अब आपको जिस प्रकार की विस्की बनानी हो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अनाज भी उसी प्रकार का हो। आसान भाषा में कहें तो दोस्तों, अगर आपको सिंगल बोल्ड विस्की बनाना हो तो आपको राई ग्रेन का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अगर आपके पास कॉर्न है तो इसमें आपको बार बोन्ड विस्की भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस पर। तो दोस्तों, विस्की जितनी आसानी से हम गटक जाते हैं उसको बनाने में कितनी कश्मकश लगती है, कितनी मेहनत लगती है, ये जानकर आप शायद चौंक जाएंगे। चलिए अब एक एक करके समझते हैं इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में, शुरू से लेकर आखिरी तक। सिलेक्शन एंड प्रेपरेशन। दोस्तों, सबसे पहला पड़ाव आता है जिसका नाम है सिलेक्शन एंड प्रेपरेशन। सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि कौन सी प्रकार की विस्की हमें बनाना है, फिर उसी प्रकार के अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है। पानी की गुणवत्ता भी विशेष तौर पर देखी जाती है, क्योंकि अगर पानी में विस्की मेकिंग प्रोसेस को आसान बनाने वाला मिनरल लाइम हो तो फिर समझो हो गया सोने पर सुहागा, अगर नहीं तो फिर पानी को भी साफ किया जाता है। मेल्टिंग प्रोसेस। दोस्तों, इस पड़ाव के बाद आती है अगली प्रोसेस जिसका नाम है मेल्टिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस में सबसे पहले अनाज को अच्छे से पानी में भिगोया जाता है, फिर उसे नीचे फैलाकर सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अनाज में मौजूद एंजाइम अच्छे से प्रोड्यूस हो सके।
दोस्तों इसके लिए 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी अनाज को कोयले के धुएं की मदद से सुखाया जाता है ताकि अनाज में मौजूद एंजाइम अच्छे से प्रोड्यूस हो सके। मैशिंग प्रोसेस। दोस्तों अगली प्रोसेस है मैशिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में कोयले के धुएं में सुखाई गई अनाज को पीसने के लिए मिलों में भेजा जाता है। मिल में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कुल अनाज में से 70% मोटा हो, 20% उससे पतला और 10% बिल्कुल आटे के किस्म का हो। फिर इनको मिलाकर उसमें पानी मिलाया जाता है और फिर इसको अलग अलग टेम्परेचर पर पूरे सॉल्यूशन को मैश किया जाता है। फिर 40 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कुछ दिनों तक इसे रख दिया जाता है। इस पूरे सॉल्यूशन में शुगर की मात्रा 20-30% पाई जाती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस। दोस्तों इसके बाद आती है चौथी प्रोसेस जिसका नाम है फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में हमारे मैशिंग प्रोसेस से बने सॉल्यूशन में ईस्ट मिलाया जाता है जिससे सॉल्यूशन में मौजूद स्टार्च शुगर में बदलने लगता है। दोस्तों इसी प्रोसेस को कहा जाता है शराब बनाने की प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के बाद हमें जो लिक्विड मिलता है वही होती है शराब, लेकिन इसके अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए इसको कम करने के लिए इसको एक और प्रोसेस से गुजारा जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो होती है सबसे आखिरी प्रोसेस जिसका नाम है डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में फर्मेंटेड सॉल्यूशन को निकालकर अलग किया जाता है जिसे हम रॉ एल्कोहल कहते हैं। अगर कोई गलती से इसे पी ले तो उसकी जान भी जा सकती है क्योंकि इसमें एथेनॉल की अत्यधिक जानलेवा मात्रा पाई जाती है। इस प्रोसेस में जानलेवा जहर को निकालने के लिए लिक्विड को कॉपर के बहुत बड़ी कंटेनर में रखा जाता है और जहर को निकालने के लिए इसे 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है और जहरीला एथेनॉल भाप बनकर अलग हो जाता है। फिर इसको ठंडी हवा से होकर गुजारा जाता है और फिर ये ठंडा होकर लिक्विड बन जाता है जिसे पाइप के माध्यम से अलग अलग करके कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जो लिक्विड बचता है उसकी हम जांच करते हैं कि इसमें अल्कोहल 40-60% है या नहीं, क्योंकि अगर 60% से ज्यादा पाया जाता है तो इसमें फिर पानी मिलाया जाता है ताकि अल्कोहल की मात्रा कम हो जाए। तो दोस्तों फिर बचता है आखिरी काम जिसमें विस्की को फिर ओक लकड़ी से बने विशेष प्रकार के बैरल में भरकर रख दिया जाता है और कहते हैं कि इन बैरल में जितने लंबे समय तक विस्की को रखा जाता है उतनी ही अच्छी गुणवत्ता विस्की की होती चली जाती है। लेकिन पूरे विश्व में विस्की की मांग और उसकी खपत इतनी बढ़ती जा रही है कि इसे ओक के बैरल में रखना संभव नहीं, इसलिए कंपनियां डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद ही बॉटल्स में पैक करके विस्की को मार्केट में इस्तेमाल के लिए भेज देती हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस जिससे होकर बनती है जादुई विस्की। लेकिन दोस्तों अगर आज भी आपको मार्केट में जो महंगी महंगी विस्की मिलती है तो समझ जाइए वो जरूर ओक के बैरल में समय गुजार कर बनाई गई है। तो आप कह सकते हैं कि जितनी महंगी विस्की उतनी ही अच्छी उसकी गुणवत्ता और उतनी ही ज्यादा उसकी उम्र। दोस्तों विस्की सिर्फ गम भुलाने के लिए नहीं और न ही सिर्फ तनाव कम करने के लिए पी जाती है। अगर विस्की का सीमित मात्रा में सेवन किया जाए तो इसके फायदे ही फायदे हैं। इसलिए अब बात करते हैं विस्की के हेल्थ पर होने वाले फायदों की। तो कहते हैं सीमित मात्रा में इसे लेने से कई बीमारियां भाग जाती हैं। विस्की के सीमित सेवन से दिल को भी सेहतमंद रखा जा सकता है। कहते हैं सर्दी जुकाम होने पर इसका सीमित सेवन फायदेमंद साबित होता है और तो और इसे पीकर याददाश्त भी बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों बस बात इतनी सी है कि विस्की फायदेमंद भी हो सकती है, बस हम इसको कितनी मात्रा में ले रहे हैं इस पर निर्भर करता है, वरना सड़कों पर झूमते लोग तो आपने भी देखे होंगे। दोस्तों अगर आप ड्रिंक करते हैं तो जरूर बताइए कि क्या आपने भी अनुभव किया है कि जितनी महंगी विस्की उतना ही ज्यादा उसका टेस्ट, और आपकी पसंदीदा विस्की भी हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करिए। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया दोस्तों।